नमस्कार, ससीना की स्टाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाए हैं नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू सबको बहुत पसंद होते हैं और बहुत तरह से बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने जो लड्डू बनाए हैं बिना मावा, बिना चाशनी, बिना गैस जलाए और झटपट बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखें, आपको भी लड्डू बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं नारियल के लड्डू। सबसे पहले हम एक इस तरह से बड़ी प्लेट लेंगे, उसमें हम डालेंगे ये ग्रेटेड किया हुआ पेठा। अब इसमें हम डालेंगे ये नारियल का बुरादा, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब इनको हम एक स्पून की सहायता से खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है तो इसे आप हाथ की सहायता से खूब अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। हाथ से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो उस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए, खूब अच्छे से मिक्स हो गया है, हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। इसके हम दो भाग कर लेंगे, इसे हम दो तरह से बना रहे हैं। अब हम पहले एक भाग के लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे नारियल का बुरादा। ये थोड़ा सा नारियल का बुरादा हम बचा लेंगे और फिर हमें जिस साइज का लड्डू बनाना है आप बड़ा या छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह से गोल शेप देंगे। गोल शेप देने के बाद ये नारियल के बुरादे में इसको हम इस तरह से गोल गोल घुमा देंगे तो इसके ऊपर नारियल का बुरादा अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए, हमारा कितना अच्छा नारियल का लड्डू बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी फेस्टिवल या कभी भी आप बना के खा सकते हैं। आपको भी ये बहुत पसंद आएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आप मीठा भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारे लड्डू हमने बना लिए हैं। ये जो मिक्सचर हमने बचाया था इसमें हम डालेंगे ये मावा। इसको हम मावा डाल के बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और इसे हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये भी हमने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके भी हम लड्डू बनाएंगे। फ्रेंड, दोनों ही लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और इस तरह से इसमें भी हम बूरा लगाएंगे और इसको बना के इस तरह से रखते जाएंगे। फ्रेंड्स, आप भी एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने मावे वाले भी सारे लड्डू बना लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे नारियल के लड्डू हैं और ये नारियल मावे के लड्डू हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ।